जय श्री राम। जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं बालाजी का छोटा हा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल का नाम बालाजी कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूं, जो खुद बालाजी चला रहे हैं। शिवरात्रि आ रही है 18 फरवरी, ठीक है, यानी कि कहूं तो आज के दिन। वीडियो तो मैं 17 को रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन 18 फरवरी 2023 की रात को शिवरात्रि है। शिव जी को शादी हुई थी, और शिव जी की शादी की खुशी में इतना अच्छा त्यौहार मनता है उस लोक में जिसके आप दर्शन नहीं कर सकते, दृष्टि जिसकी खुली होगी वही दर्शन कर पाएगा उस लोक में। और इतनी खुशी होती है कि जो जितना पाठ जाप उस रात को करता है उसको वो सिद्धि मिलती है। समझ रहे हो? कैसे? वो ऐसे कि बजरंगबली महाराज शिव भगवान के अंश हैं, या अवतार है बोलूंगा, 11वें रुद्र अवतार है। और भगवान शिव के जितने भी अवतार हुए हैं उन सब में सबसे शक्तिशाली, सुप्रसिद्ध, सबसे स्वात्विक हनुमान जी महाराज है, बजरंगबली महाराज। शिवरात्रि को कौन सा मंत्र आपको करना चाहिए जो वो सिद्ध हो जाए और वो काम करने लगे? पहले तो मैं ये बताऊंगा मंत्र सिद्ध होना क्या होता है। कोई मंत्र की सिद्ध होने की संख्या होती, दिन निर्धारित, समय निर्धारित, उसके पाठ होते हैं। जैसे कि हनुमान जी महाराज का मान लीजिए 41 दिन का आपने या 21 दिन का आपने जाप किया मंत्र का, ठीक है, मंत्र का जाप किया, और जाप करने पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, सात्विक खाना खाना पड़ता है, जोत जलानी पड़ती है, नीचे सोना पड़ता है, और सात्विक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, महिला स्पर्श ना हो उसका ध्यान रखना पड़ता है, अशुद्धि में ना जाए इसका ध्यान रखना, बहुत सारे ध्यान रखने पड़ते हैं। 41 दिन तक या 21 दिन तक आपको साधना करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप पे समय नहीं है तो महाशिवरात्रि जो समय है उसमें सबको समस्या, सबकी समस्याओं का समाधान, सबके समस्याओं का सब समाधान मिलता है, सबको सिद्धियां मिलती, सबको शक्तियां मिलती, किसी का मंत्र सिद्ध होता है, किसी को कोई शक्ति मिलती है। और जब मिलती है तो क्या करना होता है, कैसे होता है? कुछ चैनल पे होगा आज 1 घंटा जाप कर लें, 11 बार मंत्र जाप कर लें, ऐसे कर लें, इस विधि से ऐसे कर लें। कम से कम रात 11 बजे से 5 घंटे लगा लो, 12, 1, 2, 3, 4, सुबह के 4 बजे तक जाप करना है, तब सिद्ध हो जाएगा मंत्र, सिद्धि मिल जाएगी आपको 100%। अखंड जोत जलनी चाहिए उतनी देर बैठ के जाप करना है, नहा धो के बैठना है, धूप बत्ती जलनी है। कौन सा मंत्र? मन में यही आ रहा होगा ना, लो मंत्र बता देता हूं। वैसे तो मंत्र सिंपल है, हम हनुमते रुद्रात्मका हूं फट। मंत्र का मतलब क्या है? हम बीज मंत्र है, हनुमते हनुमान देवता है, रुद्रात्मका है, रुद्र की आत्मा के बराबर वाले हनुमान जी, हुम शक्ति लगी हुई है, हुम फट मतलब स्पीड से वो काम करे मंत्र, हम हनुमत रुद्रात्मक हम फट। तो ये रुद्रात्मक है, रुद्र की, भगवान शिव की छाया वाले देवता को मैं प्रकट करना चाहता हूं। आइए, अब इसमें आपको 2 ओम लगाने हैं शुरू में। ओम हम हनुमत रुद्रात्मक हूं फट ओम, 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 ओम हम हनुमत रुद्रात्मक हूं फट ओम। मत करो जाप माला से, कितनी माला करूं क्या करूं, नहीं कर सकते 5 घंटे तो 3 घंटे तो करने ही करने हैं जाप। नहा धो के फ्रेश होके बाथरूम करके नहा धो के तब बैठेंगे, उठना नहीं है। जितना 100 हनुमान चालीसा में समय लगता है, 3 घंटे से 4 घंटे के बीच का समय, 3.5 घंटे एवरेजली मानता हूं मैं, उतना समय आपको देना है इस मंत्र को। अनुभव भी होगा, सिद्ध भी होगा, सिद्धि भी मिल जाएगी 70% लोगों को जिनका मंत्र उच्चारण बिल्कुल सही होगा। हम हनुमत रुद्रात्मका इससे ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होगा। हम हनुमत रुद्रात्मका हूं फट, हम हनुमत रुद्रात्मका हूं फट, हम हनुमत रुद्रात्मका हूं फट बोल के करो या मन में करो, ऐसे उच्चारण सही होना चाहिए। और ओम शुरू में, ओम आखिर में,
ओम शुरू में, ओम आखिर में। ओम हम हनुमत रुद्राभ्या हूं फट ओम, ओम हम हनुमत रुद्राभ्या हूं फट ओम, ओम हम हनुमत रुद्राभ्या हूं फट ओम, ऐसा समझ रहे हो? ऐसे ये मंत्र करो, अखंड जोत जलाओ, जितनी देर जाप होगा उतनी देर चलेगा। फिर भी आपको अगर हिसाब माला से है 51 माला कर दो इसकी, ठीक है, मंत्र की 51 माला कर दो या 101 माला कर दो, 4 घंटे में 101 माला हो जाएंगे। एक माला में 2 मिनट लगते हैं, 3-2.5 मिनट लगते होंगे। 101 माला कर दो इस मंत्र की और मंत्र जाप सिद्ध हो जाएगा आपका, पक्का करिए। या 108 माला इस जाप की कर दीजिए, सिद्ध हो जाएगा मंत्र, सिद्धि भी मिल जाएगी। महाशिवरात्रि वाले दिन करना है। पहले क्या करना है, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करेंगे एक माला, ओम राम रमाय नमः ओम का जाप करेंगे एक माला, ओम गंगणपते नमः ओम, ओम गंगणपते नमः ओम का जाप करेंगे एक माला, दुर्गा माँ का जाप करेंगे एक माला, ओम धूम दुर्गाय नमः ओम। फिर शिव भगवान का, सभी देवी देवताओं का, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करेंगे और बोलेंगे, विनती करेंगे कि प्रभु कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें, ये मंत्र सिद्ध हो, इस मंत्र से सिद्धि सिद्धि मिले मुझे, सभी मेरे को आशीर्वाद दें, उसके बाद मंत्र जाप करें। देसी घी का दीपक जलेगा, साफ सुथरा जितना करेंगे उतना, लाल आसन बिछा लो, लाल आसन, देसी घी का दीपक जलेगा और लाल आसन बिछा लो, ठीक है, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, जरूर कृपा करेंगे, ठीक है। ये काम करो, बजरंग बली की कृपा आपको जरूर मिलेगी, मुझे पूरा 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 विश्वास है। तो महाशिवरात्रि, जो शिवरात्रि है, इसमें आपको सिद्ध करने का बहुत अच्छा तरीका है। मंत्र ये वाला क्यों दे रहा हूं, मन में आ रहा है छोटा सा मंत्र, अबे छोटा सा नहीं, इसमें शिव जी का नाम है, रुद्रात्मका है, इसीलिए दे रहा हूं मंत्र ये, नहीं तो ब्रह्मास्त्र मंत्र भी बोल सकता था, जंजीरा भी बोल सकता था, यति हनुमंत्र भी बोल सकता था, चौकी मंत्र भी बोल सकता था, दृष्टि मंत्र भी बोल सकता था, यही वाला मंत्र क्यों बोला? ओम हम हनुमत रुद्रात्मकाय हूं फट ओम, रुद्रात्मकाय, रुद्र समान, रुद्र की आत्मा वाले, रुद्र की तरह दिखने वाले, रुद्र की तरह शक्ति वाले हनुमान जी आइए फट, दम से मंत्र काम करता है। मंत्र बहुत पॉजिटिव और शक्ति वाला मंत्र है इसमें, यह मंत्र बहुत बेसिक मंत्र है हनुमान जी का, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। हो सकता है गुस्से में हनुमान जी दिखें, हो सकता है किसी को परछाई रूप में बैठे दिखें अपने पास, हो सकता है आपको उनके उनको दिखे, आपको दिखाई दे कि मेरे पीछे कोई पहलवान खड़ा है, हो सकता है आप आंखें बंद करके जाग पर आपको लाल वानर दिखे। इस मंत्र के अनुभव बता रहा हूं मैं, इस मंत्र से क्या क्या मिलता है, कुछ भी मिल सकता है, किसी को दृष्टि मिल सकती है, किसी का मौखिक वाक सिद्धि हो सकती है, किसी का पाठ खुल सकते हैं, किसी का आज्ञा चक्र खुल सकता है, किसी का स्वप्न सिद्धि हो सकती है, किसी को बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं। इस मंत्रों करके देखिए, आज के दिन समय बहुत है, मैं सुबह वीडियो 8 बजे डाल दूंगा, ये वीडियो सुबह 8 बजे 18 तारीख को सुबह 8 बजे वीडियो मिल जाएगा आपको, शाम तक का समय है, अगर शाम को 8 बजे भी आपको देख रहे हो तो रात को करने बैठ जाओ, नहाओ और बैठ जाओ, देर में वीडियो मिला था मिला था। मैं आपको कोई सामग्री नहीं बता रहा हूँ, गुड़ का प्रसाद रखना बस, गुड़ नहीं है तो मिश्री रखना, वो भी नहीं तो कोई मीठी चीज रखना, ड्राई फ्रूट रखना, वो भी नहीं चीनी रखना, बिना प्रसाद लिए ना बैठे, बिना भोग लगाए ना बैठे। देती की दीपक जलेगा, धूपबत्ती जलेगी, हनुमान जी का चित्र या हनुमान जी की मूर्ति पास में रखें, नहीं रख सकते तो हनुमान जी का ध्यान करें कि मेरे सामने बैठे, तब करें। जितना साफ उच्चारण होगा, साफ, उतना अच्छा प्रभाव दिखेगा, उतनी अच्छी शक्ति मिलेगी, बहुत लोगों को अनुभव होंगे। एक मंत्र सब कुछ हो सकता है, जरूर नहीं आप हर मंत्र का, एक ही मंत्र से सारी चीज मिल सकती है आपको। फिर भी और लोगों को जिनको मंत्र की और चाह है, दृष्टि मंत्र भी कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टि के देवता भगवान शिव है, क्योंकि भगवान शिव के पास ही त्रिनेत्र है, त्रिनेत्रधारी शिव भगवान ही है, तो दृष्टि मंत्र जो इस चैनल पर दिया है वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है, रात को। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की, और मैं चाहता हूं कि आप ये मंत्र करें, हनुमान जी महाराज और शिव भगवान आप पे कृपा करें, माता रानी उनकी कृपा आप पे बनी रहे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें।
आप सबके समस्या का समाधान करें। जय जय।